खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं के एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शकों, आ गए का कैसन हो। कल की खबर नहीं लाए थे कि वो ललित मोदी जी ने ना सुष्मिता सेन जी के साथ डेटिंग के बारे में बताया था ना, तो हम अभी पहले का बताए थे कि सुष्मिता जी अभी तक कुछ कही नहीं है, पर अब तो बोल दी हैं। कहाँ बोली है चलिए खबर में दिखाते हैं आपको। ललित मोदी की डेटिंग ट्वीट पर सुष्मिता सेन ने तोड़ी चुप्पी, कहा शादी नहीं की, दी सफाई। जी हाँ, ललित मोदी की घोषणा के बाद सुष्मिता सेन ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है कि वे एक रिश्ते में हैं। बता दें उन्होंने अपनी बेटियों के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आई एम इन अ हैप्पी प्लेस, नॉट मैरिड, नो रिंग्स, अनकंडीशनली। बता दें कि तो बात करते हैं ललित मोदी की। बता दें कि गुरुवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए ललित मोदी ने अपने रिश्ते का खुलासा किया। इस ट्वीट के आते ही हर कोई हैरान रह गया। हालांकि एक अन्य ट्वीट में उन्होंने बताया कि फिलहाल वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, शादी अभी नहीं की है। इस खबर से जहां एक्ट्रेस के फैंस हैरान हैं, वहीं वे जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ये ललित मोदी। दरअसल ललित कुमार मोदी मशहूर बिजनेसमैन हैं। ललित मोदी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तब बना था जब उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL की खोज की। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग ललित मोदी का ही आइडिया है और मौजूदा समय में आप सब अच्छे से जानते हैं कि IPL सबसे बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट में शुमार है। तमाम लोगों के खिलाफ होने के बाद भी BCCI के सामने ललित ने IPL का प्रस्ताव रखा और अपने दम पर इस लीग को साल 2008 में शुरू करवाया। IPL के पहले दो सीजन में टूर्नामेंट काफी सफल साबित हुआ था। साल 2010 में IPL में दो नई टीमें आई, कोच्चि और पुणे वॉरियर्स, लीग का हिस्सा बनी। तत्कालीन IPL गवर्नर के तौर पर ललित के नेतृत्व में कोच्चि टीम को खरीदने के टेंडर ऑक्शन में काफी गड़बड़ी मिली। ऐसे में इसके बाद अपने पद का गलत फायदा उठाने की वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की तरफ से ललित मोदी को पद से हटाते हुए बैन कर दिया गया। इस मामले को लेकर ED ने भी संज्ञान लेना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक ललित मोदी देश को छोड़कर लंदन फरार हो गए थे। वहीं ललित मोदी बेहद प्राइवेट पर्सन भी रहे हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शादीशुदा महिला से शादी करने से लेकर सुष्मिता सेन को डेट करने तक उनकी जिंदगी के बारे में जानिए सब कुछ। रिपोर्ट्स की माने तो ललित मोदी को अपनी माँ की दोस्त मीनल से प्यार हो गया था, जिसके साथ वह विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि मीनल को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ललित का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ललित मोदी से शादी करने से पहले मीनल मोदी ने सऊदी अरब बेस्ड बिजनेसमैन जैक के साथ शादी की थी। हालांकि जब मीनल प्रेग्नेंट थी तब जैक को एक घोटाले का आरोपी ठहराते हुए जेल की सजा हुई थी और कई महीनों तक उन्हें सऊदी अरब की जेल में बंद कर दिया गया था। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मीनल अकेले ही थी। जैक से नाता तोड़ने के बाद मीनल दिल्ली आ गई। मीनल ललित की माँ से अच्छी दोस्ती थी, ऐसे में वह अक्सर ललित के घर आया करती थी। ललित के दिल में पहले से ही मीनल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था और फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। खैर इस खबर में तो बस इतना ही दर्शकों, आगे क्या होता है, वे शादी करते हैं नहीं करते हैं, वो तो खैर वक्त बताएगा। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम तो ना दर्शकों इंतजार कर रहे थे कि सुष्मिता जी ना कब बताती है अपने रिलेशन के बारे में, तो अभी कछु ऐसा कही है, वो तो आगे का शादी करते हैं का है, वो तो दोनों बताएंगे तभी पता चलेगा ना। अब फिलहाल ये खबर में तो बस इतना ही, अब जाते हैं, अब कल मिलेंगे फिर से। आज की खबर में तो बस इतना ही, कल से मिलते हैं लेकर नई खबर। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा आंटी के साथ। जयराम जी की दर्शकों।